हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का वर्क के बाबा में। चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज के चार वर्ड्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बात करता हो। कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। लोकेश क्या है, बड़ा टॉगेटिव है। मतलब लोकेश क्या है, बड़ी बातें चीतें करता रहता है। तो लोकेशियस का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, टॉगेटिव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लमिट। प्लमिट का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर जाए और रैपिडली, मतलब तेज गिरे और अचानक से गिर जाए, उसको बोलेंगे प्लमिट। देखो कैसे याद रखोगे, प्लमिट साउंड्स ऑफ प्लैनेट। प्लमिट प्लैनेट, प्लैनेट गिर गया पृथ्वी पर। कैसे गिर गया, अचानक से गिर गया, तेज गिर गया। तो प्लमिट का मतलब क्या है, गिरना। अगला है प्रोमल्गेट। प्रोमल्गेट का मतलब है अनाउंस ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली सबको अनाउंस कर देना, किसी न्यूज़ को खबर को फैला देना। कैसे याद रखोगे, देखिए प्रोम, प्रोम को पढ़ो आप, प्रेम, प्रेम, प्रेम उसके गेट पर खड़े होके, प्रेम उसके घर के गेट पर खड़े होके सारी चीज़ें ऑफिशियल अनाउंस कर देता है उसके घर में क्या क्या चल रहा है। जैसे क्या, कोरोना आ गया तो घर पे खड़े होके चिल्ला रहा है सबको, अरे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। तो प्रेम की हरकत ऐसी है। तो प्रेम गेट पे होके क्या करता है, ऑफिशियली अनाउंस करता है। अगला वर्ड है पैरिश। पैरिश का मतलब डिस्ट्रॉय। आप देख रहे हो जो फ्रांस का शहर है पैरिस, वो क्या हो रहा है, कोरोना के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। तो पैरिश क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो पैरिश का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के चार वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।